चीज़ों के प्रति हर व्यक्ति के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है कि प्रेमी ने प्रेमिका को धोखा दे दिया, प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी का गला घोट दिया, ऐसा हमें अक्सर सुनने को मिलता है। क्या हो सकता है कि कोई प्रेमी किसी को धोखा देता हो? क्या सच्चे मायने में कोई प्रेम करने वाला किसी को धोखा दे सकता है? यहाँ ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करने वाली होती है कि जहाँ हम प्रेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में वो प्रेमी है ही नहीं। प्रेम तो आंतरिक है, बाह्य रूप में अगर हो रहा है तो वो आकर्षण है, और आकर्षण कभी भी बदल सकता है। कोई प्रेमी किसी को धोखा नहीं देता, कोई प्रेमिका किसी को धोखा नहीं देती। धोखा देती हैं उसकी उम्मीदें जो वो उस इंसान से लगा बैठता है। अब वहाँ पर जो प्रेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ तो दगेबाज का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा असामाजिक लगता है, क्योंकि धोखा तो दगेबाज ही देगा, कोई प्रेमी तो नहीं दे सकता, कोई प्रेमिका तो नहीं दे सकती। छल तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है, लेकिन मुश्किल होता है विश्वास को कायम रख पाना। एक बहुत अच्छी बात जो मैंने समझी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को धोखा दो, ये ज़रूरी है कि आप किसी के धोखे से बच पाओ। धोखा देना अलग बात है, लेकिन उससे बच पाना अलग बात है। उसके लिए आपको समझना पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को। आप जिस व्यक्ति से संबंध रख रहे हैं, आप कभी सोचते हैं कि उसके घर वाले कैसे होंगे? हर व्यक्ति यही सोचता है कि भाई जिससे मैंने प्यार करा है वो मेरे लिए मायने रखता है, बाकी उसके घर वाले भाई बहन उसे क्या मतलब है। लेकिन सच्चाई यही है कि जैसा पेड़ होगा वैसे ही फल होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग रिश्ते देखने में बड़े अनुभवी होते हैं, वो वहीं रिश्ते देखते हैं जहाँ परिवार अच्छा होता है। सबसे पहले वो घर पर, परिवार पर फोकस करते हैं कि घर अच्छा है तो जाहिर सी बात है बच्चा या बच्ची भी अच्छी होगी। लेकिन दूसरे मायने में हम लड़के लड़कियां जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते, कभी नहीं देखते कि उसके घर वाले कैसे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आपको उससे जुड़ी हुई कड़ियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कोई व्यक्ति किस परिवार से है, किस घर से है, उसका घर कैसा है, उसके घर वालों का व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें, यही गुण उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति की वंशावली पता करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो जीन्स भी गुणों को दर्शाते हैं, पिता के बच्चे में पता चलते हैं। तो बायोलॉजिकली नेचर भी हमें यही बताती है कि भैया आम का पेड़ है तो उसके फल से जो बीज निकलेगा उस बीज से आम का ही पेड़ उत्पन्न होगा, ना कि नीम और सैतूत का, है ना। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि भाई वो तो बहुत सीधा है, जलेबी की तरह बिल्कुल सीधा है। असल में आपको बचना किस व्यक्ति से चाहिए? टेढ़ा व्यक्ति तो आपको पता है कि ये टेढ़ा है, आप तो उससे ऑलरेडी वैसे ही बच जाएंगे। बचना आपको उस सीधे व्यक्ति से है, क्योंकि सीधे व्यक्ति का कुछ पता नहीं होता कि वो कब आपको किस रूप में घायल कर दे। ये वैसे ही है कि घास में भी सांप की सरसराहट बड़ी मुश्किल होती है पहचानना, लेकिन उस घास से जब आप निकलते हैं तो उस सांप के विषैले फन का आप शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप सतर्क नहीं होते। अगर आपको पहले से ही पता हो कि इस जगह पर सांप है तो आप सतर्क रहेंगे, आपको नहीं पता कि वहाँ पर सांप है इसलिए आप निश्चिंत होकर जाएंगे। लोग सीधे होते हैं, कहा जाता है कि हमें उनसे ही सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वो कब टेढ़ा काम कर दें ये कुछ पता नहीं रहता। आप किसी से धोखा खा जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद मैंने गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया था। असल में वो इंसान कैसा भी हो, लेकिन आपकी पहचान गलत थी। आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाए, ये आपकी गलती है। सामने वाला व्यक्ति तो वही कर रहा है जो उसका गुण है, वो वही करेगा। इसे मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक बार बिच्छू ने कछुए से कहा कि भाई मुझे नदी पार करवा दो, तो कछुए ने दया दिखाते हुए कहा ठीक है मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ।
लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे अपना डंक नहीं मारोगे। इस पर बिच्छू ने सहमति जताई और कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। तुम मुझे नदी पार करवाओगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो इस पर राजी होकर कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कछुआ बीच नदी में पहुँचा, उसी वक्त बिच्छू ने तुरंत अपना डंक उस कछुए के मार दिया, क्योंकि उसके ऊपर की जो शैल होती है, कवर होता है, वो इतना मजबूत होता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कछुए को ये एहसास तो हो ही गया कि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया है। तो इस पर गुस्से में तिलमिलाते हुए कछुए ने बिच्छू से कहा कि तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे डंक नहीं मारोगे, और तुमने ये क्या किया। बिच्छू मुस्कुराता हुआ बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव है। कछुआ इस बात को आसानी से समझ गया कि ये अपने स्वभाव से मजबूर है, लेकिन इसे सबक सिखाना भी ज़रूरी है। कछुआ थोड़ा सा ही आगे बढ़ा और उसने पानी में डुबकी लगा दी। डूबते डूबते बिच्छू बोला, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसी वक्त कछुए ने भी बोल दिया कि वो तुम्हारा स्वभाव था तो ये मेरा स्वभाव है। तुम अपने स्वभाव से मजबूर थे तो मैं भी अपने स्वभाव से मजबूर हूँ। इस तरह से कछुए ने डुबकी लगाते हुए उस बिच्छू को वहीं छोड़ दिया और खुद आगे बढ़कर नदी किनारे पहुँच गया। तो कहते हैं कि अगर आप किसी से धोखा खाते हैं तो उस व्यक्ति की गलती नहीं है, गलती हमारी पहचान की होती है कि हमने उस व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया था।